नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आपके ही बकरीवाले यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। थैंक्स मेरे वीडियो देखने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए। ये भी वीडियो लाइक कीजिए, अगर आप तक सब्सक्राइब ना किया हो तो बकरीवाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए फार्मिंग रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, जो विंटर आ रहा है दोस्तों, मेरे जो भाई है जो छोटा गोट फार्म कर रहे हैं, वो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं कुछ तो भी टिप्स दो ऐसा वैसा। तो विंटर में ज़रा प्रॉब्लम बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू समर, तो इसलिए मैं विंटर में क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए गोट्स के लिए, बच्चों के लिए, और उसके साथ ही साथ क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, ये भी मैं बात में आज ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए। जो ठंड का मौसम है दोस्तों, आपको नवंबर से जनवरी तक ये ठंड आपको विंटर सीजन में बढ़ती है, यानी कि रहती है। ये तीन चार जो मंथ है इसमें आपको ज़्यादा इनकी केयर लेनी है, क्योंकि इनमें जो बैक्टीरिया रहता है ये सीज़न में ये बढ़ जाता है। बारिश गिर कर जो बारिश का स्लॉट निकल जाता है रेनी सीजन का, बाद में विंटर में वो जो बैक्टीरिया वो बढ़ता जाता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा इनकी केयर लेनी पड़ती है। और जो ठंड होती है, ठंड की वजह से जो बच्चे होते हैं मोर्टेलिटी का इफेक्ट बढ़ जाता है, और अपना बदनसीब भी ऐसा है बकरी वालों का कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बैच मिलती है नवंबर अक्टूबर सितंबर दिसंबर जनवरी, यही महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ ज़्यादा बच्चों का यही महीनों में होता है जो विंटर में आते हैं। और जो जितना हो सके आपको अपना जो फार्म है जितना हो सके आपको पूरा क्लीन रखना है और कम से कम गीला रखना है। अभी ये तो नहीं बोल सकता पूरा आप ड्राई ही रखिए, थोड़ा बहुत तो पानी गिर जाता है किधर कुछ हो जाता है, लेकिन मेंटेन रख सकते हो अगर हो सके, अगर है बजट अगर है पैसे तो आप प्लेटफॉर्म छोटा सा छोटा एक टेबल टेबल जैसे कर सकते हैं, नीचे एक आधा फुट ऐसा हाइट आती, मैं उसका फोटो डाल दूंगा फेसबुक पे, आप देख लेना, पेज भी लाइक करना अपना बकरी वाले। और बाकी जो आपकी शेड की साइज जो रहती है साइड, अगर वो उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण होना, एक तो पूर्व पश्चिम होना, क्योंकि होता क्या है इसमें जो ठंड में ठंड बचती है दोपहर को सुबह, सॉरी मैं ज़रा मुझे कॉल आया डिस्टर्ब हो गया, सॉरी, तो जो ठंड बचती सुबह सुबह बच्चों को गोट्स को मेल को बकरे को, तो वो ठंड में जो उसे जो सुबह की जो धूप होती है, हमारे माता पिताजी दादा परदादा नानी सब बोला करते थे कि अरे बाहर धूप में बिठाओ बच्चों को, ऐसा करो, धूप अच्छी होती सुबह की, तो उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है ज़्यादा मात्रा में, और वो अपने बॉडी के लिए भी अच्छी होती है, तो वैसा ही भी उन पर भी लागू होता है, उनको भी धूप उन पर गिरनी चाहिए। जो ओएफसी रहता है ओपन फेंसिंग एरिया, शेड के बाहर कंपार्टमेंट रहता हर किसी का, तो उधर धूप आनी चाहिए। ये विंटर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, अगर किसी सीज़न में करे या ना करे, रेनी में तो अंदर रहते, धूप लगती तो अंदर ही निकल जाते धूप में भी, धूप के सीजन में भी समर में भी, लेकिन आपको विंटर में ये आपको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। और बाकी जितना जल्द से जल्द हो सके आपके जो डॉक्टर वगैरह उनसे मशवरा लेके, जो अपना फवरनी वगैरह रहता है निर्जंतु कर लीजिए, यानी निर्जंतुकरण बोलते हैं उसको, चूना वगैरह मार सकते हैं आप, उसमें पाउडर वगैरह आते हैं वो पाउडर मार सकते हैं, बुटॉक्स भी मारते हैं बहुत सारे लोग, तो डॉक्टर से पूछ के ये बातें कीजिए आप। बाकी जो अपना डिवॉर्मिंग रहता है जैसे जंतुनाशक बोलते हैं वो दे दीजिए, उनकी जो कैपेसिटी है बेयरिंग कैपेसिटी, उनकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है फाइट करने के लिए सर्दी से बुखार से खांसी से कफ होता है, ये सारी चीज़ें विंटर में ज़रा ज़्यादा परसेंटेज में होती है। बाकी जो छोटे बच्चे उनको अलग रखा कीजिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे छोटे बच्चों के साथ बराबर मैच होके एक ऐसा घेरा बना लेते हैं, बराबर गर्माहट तैयार करते हैं, तो वो अगर बच्चे माँ के साथ बकरों के साथ हो बड़े तो वो एक्चुअल हो नहीं पाता, एक की गर्मी दूसरे को नहीं मिल पाती, तो इसलिए अगर बच्चों का कंपार्टमेंट अच्छा रहे उसमें बारदान लगा लीजिए, ताड़पत्री लगा लीजिए, जितना कम आप ये कर सके जो ठंड कम कर सके अंदर की, बल्ब बल्ब लगा सके तो भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लगाना ही चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं, बकरी की उतनी स्ट्रेंथ होती है उसमें, उसको सर्वाइवल करना पड़ता है, जंगल में रहने वाली चीज़ थी है हमने यहाँ पे बिठा दी, लेकिन जितना केयर ले उतना अपने लिए अच्छा है, जो नुकसान होगा उससे तो 1-2% ही खर्चा आने वाला है, तो खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, हीटर लगाऊंगा ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा ये मत कीजिए। बाकी विंटर में आप सब पैक रखते हो तो होता ऐसा है जो उनका टॉयलेट होता है जो उनका लघुशंका होता है उधर गिर गिर के पूरा
गीलापन हो जाता है, तो उसको स्लो प्लग किया अच्छा, तो अच्छे से वो जो भी पेशाब वगैरह करेंगे बकरे बकरियाँ बच्चे, तो वो नीचे आ जाए, लेंडी वगैरह जो है मैन्योर उनका वो टाइम से टाइम साफ कर लेना, यानी कि नीचे गंद नहीं रहती। और जो टॉयलेट का अगर स्लोप नहीं रहा तो होता है वो ऐसा, उधर अगर रुक गया टॉयलेट, अगर ज़्यादा गीला हो गया और अपना शेड बंद रहा, ताड़पत्री रही, अगर बारदान लगाए हुए, तो आपको अंदर निमोनिया गैस तैयार होता है, फिर से उनको वही तकलीफ, सर्दी होती, आँखों में पूरे छाले आ जाते, यानी कि केचुए जैसा हो जाता है आँखों में। बाकी जितना आप हो सके ड्राई फूडर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ड्राई में अगर आप दे सके तो हरी पत्ती दी तो अच्छी बात है। बाकी चना भूसा, हरभरा भूसा, सोयाबीन, उसके बाद आपको आती भुईमूंग आती है, मक्का आता है, जौरी कड़वा आता है, जितना ड्राई दे सके ठंड के मौसम में उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप पूरा ग्रीन पे ही खिलाओगे तो वो पानी कम पियेंगी, और एक जो सजीव चीज़ है ये धरती पे, वो जितना पानी ज़्यादा पियेंगे, वो पेड़ हो, आदमी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, व्हाटएवर जो भी एनिमल है, जो भी सजीव चीज़ है, तो उसे जितना पानी पियेंगी उतना वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी, ये अपना नेचुरल नियम है। बाकी उसको टाइम पे खिलाइए, जो टाइम हो सुबह का, शाम का, दिन का, रात का, उसके टाइम के हिसाब से उन्हें खिलाइए, वैसा ही कीजिए। और अगर कोई बच्चे बकरिया मेल अगर बीमार गिर जाते हैं, सर्दी हो जाती है, तो सर्दी का एक बहुत बड़ा तकलीफ है कि सर्दी अगर हो गई, गवान में उसने खाया हो चारा, उसने वो गवान में मुंह डाल के खाया, एक बकेट है पानी का, अगर कुछ पतेला रखा है पानी के लिए, उसमें पानी पिया, तो अगर दूसरा बकरा बकरी बच्चे जाके पानी पियेंगे, वही गवान में खाएंगे, तो उसको सर्दी हो जाती, खांसी हो जाती, तो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो सबको फैलता है। जो बीमार गिर गया, जिनको सर्दी खांसी कफ वगैरह कुछ भी हो, उनको जल्द से जल्द अलग कीजिए, अलग कप्पे में डाल दीजिए। बाकी और है, जैसे ही बच्चे होते हैं, बर्थ ज़्यादा होती है बच्चों की ये सीज़न में, विंटर में, तो इनको जो आप ये बच्चा बाहर आएगा उसके माँ के पेट से, तो माँ का जार वगैरह निकाल के, पहले तो जार पूरा साफ कर ले, निकाल लीजिए, वो निकलना चाहिए, वो बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी बकरी के अगले प्रेगनेंसी के लिए, अगले आपके बैच के लिए, तो बच्चे को ठीक से साफ कीजिए, नीचे साफ सुथरा कपड़ा रखिए, उसको कम इन्फेक्शन होता है, अच्छे से अच्छे उसको सब पोछ पाछ के पूरा क्लीन करके बकरी के पास दे दीजिए, हो सके नहीं तो कीजिए। ये बकरी का जो पहला जो दूध निकलता है ज़रा उसमें लिक्विड कम रहता है, यानी कि थिकनेस ज़्यादा रहता है, वो चीक बोलते हैं मराठी में उसको, तो वो चीक भी पिलाइए, क्योंकि वो जो बच्चा सर्वाइवल करने के लिए उसको जो इम्यूनिटी पावर चाहिए वो चीक में रहता है, जो स्टार्टिंग का दूध रहता है। ये हर किसी को बात लागू होती है, आदमी हो, कोई भी एनिमल हो, ये हर किसी को बात लागू होती है। जो ज़रा पहला जो मिल्क आता है माँ का, वो बच्चे को आप हाथ से पिलाइए, क्योंकि बच्चे को इतनी अकल नहीं रहती। बाकी माँ के पास बच्चे को छोड़ दीजिए, बकरी भी उसको साफ करती है, चाटती है, उसके चाटने से भी दोस्तों साइंटिफिक रीज़न मैंने डिस्कवरी टीवी पे देखा है, जब बकरी चाटती है ना बच्चे को, तो उसके जो सेल्स है, जो उसके जो खून है, उसका खून गर्म होता है, उसका सिस्टम पूरा चालू होता है, तो उसके पीछे भी साइंस है। जब बकरी बच्चे को चाटती है तो गर्माहट उसे महसूस होती है, उसके ब्लड में गर्माहट होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छे से चालू होता है, उसके पूरे फंक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाकी फार्म अपना ज़रा गर्म रहने के लिए आप 100 वॉट का भी बल्ब लगा सकते हैं। बाकी अगर बहुत ही ठंड रही, बहुत ही, अगर हमारे पास इतनी ठंड है तो हम करते हैं ऐसा, ड्रम बिम लगाते हैं, उसमें बम करके करते हैं, ज़रा शेकोटी विकोटी बोलते हैं उसको, हमारे पास अभी मेरे को हिंदी शब्द नहीं पता, जाल करते हैं, आग भड़काते हैं, तो उसका विस्तव वगैरह रहता है, जो कोल आता है, तो कोल ज़रा गर्म रहता है, तो पूरा माहौल जो है वो गर्माहट पैदा करता है। बाकी बस इतना ही, बाकी और कुछ आपको क्वेश्चन हो? हाँ, और अगर हो सके जो अपना राइस का काड़ा आता, गवत आता सूखा, वो नीचे डाल दीजिए, डाल सको तो
और उसमें फिर रहता गेहूँ का काड़ा था, वो डाल सकते, भूसा डाल सकते, रेती डाल सकते, इससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका फार्म ड्राई रहेगा और आपके मेंटेनेंस कम लगेगा। साफ सफाई अगर आप एक दिन स्किप भी कर देंगे, कुछ काम होते हैं लेबर भी दूसरे काम पे लगा देते, हमारे फार्म भी देखना पड़ता है, फार्मिंग भी देखनी पड़ती, तो ये चीज़ें होती है, तो ये भी डाल सके तो डाल दीजिए। और बाकी डॉक्टर के सलाह से, डॉक्टर